सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आसबी का मारे आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर बच्चे मेरे कॉल करके अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं उनके कैसे प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और मैं भी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर कई सारे स्कूल्स में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कैसे प्रैक्टिकल्स लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर क्या हो रहा है। टीचर इस बार क्वेश्चंस कम पूछ रही है, लेकिन आपको पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है। मतलब जैसे एग्जामिनर आया, एग्जामिनर ने आपकी फाइल ले ली, उसको देखा, तो आपका जो वाइवा का टाइम, उसमें एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है आपके कॉन्फिडेंस देखने के लिए, आपका माइंडसेट देखने के लिए आपसे पूछ रहे कि आपके आगे करियर में आपको क्या करना है। इससे पता लगेगा कि आप कितने करियर में सीरियस हो, या फिर आप सिर्फ ट्वेल्थ ऐसे ही कर रहे हो। वो आपसे पहले आपका करियर के बारे में पूछेगी, फिर आपसे ये पूछेगी कि आपने लॉकडाउन में टाइम कैसे स्पेंड किया, फिर वो आपसे पूछेगी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम ज़्यादा अच्छे लगते थे ऑफलाइन, फिर आपसे पूछेगी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से लग रही थी, आप कैसे उनको टाइम को टैकल कर रहे थे। मतलब इस टाइप के पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो इन पर्सनल क्वेश्चन का जो आपके कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टीचर आपके मतलब पढ़ाई से हटकर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका आपको क्या जवाब देना है। देखो, अगर आपका करियर का से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको करियर के बारे में जो भी आप सीरियसनेस हो, मतलब आप कॉमर्स फील्ड से हो तो आपको आगे क्या करना है, क्लियर बताओ। ऐसे नहीं कि मैं ये कर लूँगा या फिर मैंने तो कुछ सोचा नहीं है। ये जवाब दोगे तो वहीं आपके नंबर कट जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा कि 5-10 नंबर काट देगा, मतलब हाफ मार्क्स, वन मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि आप में आप अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो, ये पता लगता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो कि आपने लॉकडाउन में कैसे टाइम स्पेंड किया। तो आपको ये नहीं कहना कि बस घर पे बैठे रहते थे, टीवी देख लेते थे, ये सब नहीं बताना। आपको ये कहना है कि मैंने टाइम यूटिलाइज किया। यूटिलाइज का मतलब कि मैंने नई नई चीज़ें सीखी, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, और यूट्यूब पे कई सारी स्टडी वीडियोज भी वो देखी, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो मैं अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर लेता था। तो इस तरीके से आपको बताना, ऐसे नहीं बोलना कि मैं वेब सीरीज देखता था, बस टीवी देख लेता थे, बस ये सारी बातें नहीं बतानी, बस थोड़ा सीरियसनेस दिखानी है। और मेन बात, जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो पहले उनका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने देना, फिर अपना आंसर देना। ऐसे मत करना कि वो बोल रहे आप बीच में स्टार्ट हो जाओ, ऐसे मत करना। एक मतलब सिंपल सा आप अपनी एटीट्यूड दिखाना है आपको अपना, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड। पता लगना चाहिए कि आप कोई जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो। सारा काम 5 मिनट का है, 5 मिनट में आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि कैसा होता है एग्जामिनर। क्या एग्जामिनर आपको सिर्फ 5 मिनट ही बैठाएगा अपने पास में, 5 मिनट पे आप अपना बेस्ट दे दो, लाइफ का नंबर पूरे है। बाकी अभी कई सारी हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम की वीडियोस आ रही है चैनल पे, तो आप उनको भी देखो। और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर, या फिर आप मेरे को प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग मेरे से बात करना चाहते हो, तो आपको मेरी नंबर मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगी, मेरे को कॉल करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, अपनी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आशा ही कर, फिर सेफ रहो।